नमस्कार साथियों, विगत माह की भांति इस माह भी निष्ठा 3.0 के इस कार्यक्रम में दो नए कोर्स लेकर के आए हुए हैं। पिछले माह की भांति इस माह कोर्स 9 और कोर्स 10 पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। कोर्स 9 बुनियादी संख्यात्मकता क्या होती है, क्यों आवश्यक है, और कोर्स 10 बुनियादी संख्यात्मकता और संख्या ज्ञान पर विद्यालय नेतृत्व क्या काम कर सकता है, क्या काम करना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण कोर्स पर आज चर्चा करने जा रहे हैं और ये दोनों कोर्स कितना महत्वपूर्ण है कक्षा पहली से पांचवी के विद्यार्थियों के लिए ये आप भली भांति परिचित है, इसलिए इन दोनों कोर्स को करना अनिवार्य है। आप सभी जानते हैं कि इन दोनों कोर्स को करने के लिए प्रत्येक कोर्स के लिए 3 अवसर मिलते हैं और 3 अवसर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा यदि ये कोर्स सफलतापूर्वक आप कर लेते हैं तब। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए टेक्निकल बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आज टेक्निकल बातें भी बताई जाएगी टेक्निकल विशेषज्ञों के द्वारा। और कोर्स 9 और कोर्स 10 के लिए पिछले माह भी डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर आए थे कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। आज भी हमारे बीच डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव उपस्थित है, वो अभी आपको कोर्स 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान और विद्यालय नेतृत्व पर बातें करेंगे। तो मैं विलंब न करते हुए सर को सादर आमंत्रित करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वो आज इस कोर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सर, सभी साथियों को नमस्कार और धन्यवाद साहू जी आपको। मित्रों, ये जो श्रृंखला चल रही है बातचीत की, उसमें आपने देखा है कि जो भी कोर्स मटेरियल आपके पास इस माध्यम से पहुंचता है वो एक शिक्षक के लिए कितना उपयोगी है आपने महसूस किया होगा। तो इसी कड़ी में जो आगे की सामग्री, आज जिस सामग्री पे हम बात करना चाहते हैं कोर्स 9 और कोर्स 10, तो कोर्स 10 पे पहले आपके साथ चर्चा हो रही है और ये है कि एक स्कूल की, एक विद्यालय की क्या भूमिका होगी नेतृत्व करने में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वो आपने देखा ही होगा, अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो चीज़ें आ रही हैं उसको देखते चले जाइए। तो इसमें मुख्य रूप से 5 बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की अगुवाई हेतु विद्यालय नेतृत्व पर दृष्टिकोण, हम इसके पीछे क्या देख रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है इस शीर्षक को लेने पे या इस विषय को चुनने के पीछे हमारा नजरिया क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा बिंदु है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की समझ, पेडागोजिकल लीडरशिप जो है उसका अर्थ क्या है, इसको भी हम समझेंगे। एक संदर्भ विशिष्ट विद्यालय विकास योजना की तैयारी, यदि हम एक मॉडल के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में कोई विशिष्ट विद्यालय बनाना चाहते हैं तो उसके विकास के लिए योजना क्या होगी और उसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, इस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद जो अगला बिंदु है जो हमारी बातचीत में शामिल होगा वो ये है प्रभावी विद्यालय समुदाय संबंध बनाने के लिए समुदाय और अभिभावक के साथ सबल साझेदारी का विकास। आप जानते हैं कि हमारा काम जो बच्चों से संबंधित है, यदि उसमें समुदाय की भागीदारी होती है, यदि हम समुदाय का जोड़ पाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है और शिक्षक परिवार और समुदाय दोनों का जो मिश्रित प्रयास है वो परिणाम तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। फिर तीसरी बात है FLN, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को हम शॉर्ट में FLN ही कहेंगे आगे चल के। तो ये FLN का विद्यालय प्रमुखों द्वारा क्रियान्वयन, कि जो हमारे विद्यालय के प्रमुख हैं उनके द्वारा ऐसा क्रियान्वयन कैसे होगा, इन 5 बिंदुओं पर हम आगे बात करेंगे। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व,
पहला बिंदु है इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में FLN के महत्व की परिकल्पना की गई है एवं 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग को बुनियादी चरण के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह नीति कक्षा 3 में प्रवेश करने के पूर्व ही बच्चे पढ़ने और लिखने में निपुण एवं सक्षम हो जाएं, इस परिकल्पना पर आधारित। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा 3 में आने की स्थिति तक हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में और संख्या ज्ञान में निपुणता हासिल करने, ये हमारी मुख्य परिकल्पना है। FLN विद्यालय जाने के पहले श्रेणी 3 तक है, जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की जो बात है वो विद्यालय जाने के पहले से लेकर श्रेणी 3, कक्षा 3 जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक इस काम को हमको पूर्ण करना है। बच्चों के लिए श्रेणी 3 एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में है, जहाँ से बच्चे आगे की कक्षाओं में लर्न टू रीड, पढ़ने के लिए सीखना, से रीड टू लर्न, सीखने के लिए पढ़ने की दिशा में आगे की श्रेणियों की ओर बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के प्रबंध के स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों एवं विद्यालय के नेतृत्वकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व पर एक दृष्टिकोण का निर्माण, इसको हम बहुत गौर से देखेंगे। भारत में विद्यालयी शिक्षा में अभूतपूर्व उपलब्धियों के बावजूद सीखने के स्तरों में व्यापक अंतराल के साथ सीखने के संकट की एक सतत चिंता बनी हुई है। ये बात आपसे छिपी नहीं है कि हमारे इतने सारे प्रयासों के बावजूद अभी तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके जो हमारे लिए वांछित थी। जनसंख्या के गरीब और वंचित वर्गों से आने वाले बच्चों के संदर्भ में ये अंतराल और व्यापक हो जाते हैं। इसके अलावा सीखने में आए ये अंतराल वर्ष प्रति वर्ष संचयी रूप से सीखने की कमी, कम्युलेटिव लर्निंग डिफिसिट में बदल जाते हैं। देखिए, ये एक बार अगर बच्चा कोई सीख नहीं पाया और वो आगे की कक्षा में चला गया तो आगे की कक्षा में जाने के बाद उसके साथ जो सीखने की समस्याएं बनी रहेंगी और ये जो समस्याओं का बढ़ना है बच्चे के लिए वो लगातार जारी रहता है। और उस बीच हमारे पास हर साल नई कक्षा में बच्चे आते जाते हैं जो नहीं सीख पाते, तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने लगातार एक चुनौती प्रस्तुत करने वाली चीज बन गई है। एक बच्चा जो बुनियादी गणितीय गणनाएं कर सकने या ग्रेड 3 तक अवधारणात्मक समझ के साथ पढ़ने में असमर्थ है, दो चीजें हैं, बुनियादी गणितीय गणनाएं, गिनती को समझना, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग आदि, और ग्रेड 3 तक अवधारणात्मक समझ के साथ पढ़ना, अक्षरों को पढ़ना एक चीज हो गई, लेकिन पढ़ने के साथ साथ समझना, यदि ये दो चीजें बच्चे में नहीं आ पा रही, बच्चे इनमें असमर्थ है, तो वह आगे कक्षाओं में निर्धारित दक्षताओं को नहीं सीख पाता और परिणाम ये होता है कि वो सीखने की कमी लगातार उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। भारत में सरकारी विद्यालयों में नामांकित अधिकांश बच्चे पहली पीढ़ी के विद्यार्थी हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास अपने परिवार में वो पहले विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक हमारे उन बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि केवल स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर वो पढ़ने से संबंधित मदद प्राप्त कर पाता है, घर से उसे वो मदद नहीं मिल पाती। अब तक विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में चली आ रही अलग अलग परिपाटियों के अनुसार किसी बच्चे के लिए औपचारिक विद्यालय शिक्षा में प्रवेश की आयु 5+ या 6 वर्ष बनी हुई है। ये आप जानते हैं कि हम 5 साल या 5 साल के बाद की उम्र के बच्चों को अपनी कक्षाओं में भर्ती करते हैं। FLN के संदर्भ में विद्यालय नेतृत्व विकास पर मॉडल, एक मॉडल आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है, इसको जरा समझें। विद्यालय के एक नेतृत्वकर्ता को नेतृत्व पर ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति के संदर्भ में अपनी योग्यता का निर्माण करने की आवश्यकता है। FLN को सफल बनाने के लिए अपने विद्यालय का नेतृत्व कैसे करें, नीचे 4 मॉडल हैं, इन्हें हम गौर से देखेंगे। संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय की अपनी एक अद्वितीय भौगोलिक स्थिति है और यह किसी विशिष्ट भौगोलिक विविधता और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आपका विद्यालय बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र, संघर्ष क्षेत्र, जंगलों या रेगिस्तान से घिरा हो सकता है या कि बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र पर स्थित हो सकता है। ये जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं और हमारे विद्यालय इन निर्धारित भौगोलिक स्थितियों में से किसी एक में आ सकते हैं। अनुकूलक नेतृत्व,
FLN के संदर्भ में एक नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं को और शिक्षकों को इसे क्रियान्वयन से उभरने वाली नई चुनौतियों के अनुकूल बनाने हेतु तैयार करे। तीसरी बात है सहयोगात्मक नेतृत्व। नेतृत्व का यह रूप मानवीय अंतःक्रियाओं पर आधारित है। इसका तात्पर्य व्यक्तियों, विचारों, निर्णयों और घटनाओं के परस्पर सहयोग से है। चौथी बात है परिवर्तनकारी नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें नेतृत्वकर्ता दूसरों के साथ जुड़ता है और एक संबंध स्थापित करता है ताकि नेतृत्वकर्ता और उसके सहयोगियों दोनों की प्रेरणा और पेशेवर नैतिकता में वृद्धि हो सके। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता कौन है? शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता इसे हम गौर से समझेंगे। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विभिन्न विषयों और अनुशासनों के शिक्षा शास्त्रों का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त ज्ञान और विनिमय कौशल की गहरी समझ होती है। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता का उद्देश्य सभी बच्चों के सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना एवं उन्हें सीखने के वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। जो व्यक्ति होगा वो विषय विशेष के संबंध में उसमें विशेषज्ञता होगी, उसे मालूम होगी यदि भाषा सीखना है, गणित सीखना है तो उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ निर्मित की जा सकती हैं, कक्षाओं का वातावरण कैसे बनाया जा सकता है, बच्चों को किस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराई जानी चाहिए, इस चीज़ की जो समझ रखता होगा उसके लिए हम शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता का क्या महत्व है इसे हम नीचे समझते हैं। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थी अपने जीवन पथ के शुरुआती दौर में होते हैं, इसलिए विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं को उनके नए कौशल सीखने के अनुभव, प्रयोग और स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया जो है वो बच्चों की रुचि, उनके अनुभव और उनके कौशल, उनके सीखने की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, ना कि एक पैटर्न जो शिक्षक या क्लासरूम में बन जाता है और सारे बच्चों को उसके अनुकूल चलना पड़ता है, ऐसा ना हो। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों को प्रमुख रूप से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है एवं 6 से 9 वर्ष की आयु के दौरान उनकी बुनियादी साक्षरता और अंक गणितीय कौशल सुदृढ़ किए जाते हैं। देखिए इस फर्क को समझना आवश्यक है कि बच्चे जब 3 से 6 वर्ष की आयु में होगा तब उसके लिए जो शिक्षण की पद्धतियाँ हैं वो खेलों में आधारित होगी, गतिविधियों पर आधारित होगी, और 6 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और अंक गणितीय कौशल सुदृढ़ किए जाते हैं। इसके लिए भी हमारे पास खेल की विधियां हो सकती हैं, छोटी छोटी आसान गतिविधियां हो सकती हैं जो मनोरंजक होने के साथ साथ सीखने में मदद करती हैं। यह शिक्षा शास्त्र चाक और बात पद्धति पर आधारित नहीं है, इसे बहुत गौर से देखिए। ये जो शिक्षा शास्त्र जिस पेडागोजी की हम बात कर रहे हैं वो चाक और ब्लैक बोर्ड और बातचीत इससे थोड़ी सी अलग है। यह गतिविधि आधारित सीखने और प्रयोग से प्राप्त अनुभव पर केंद्रित है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता को पूर्व प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बालवाड़ी का शिक्षकों, व्यवस्था स्तरीय पदाधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए सीखने के लिए आकलन और शिक्षण विधि तथा अवलोकन का नियोजन, ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपस में सहसंबंधित हैं। हम ऊपर से देखना शुरू करते हैं, उपयुक्त साक्षरता और संख्या ज्ञान, अनुभव और गतिविधियां। दूसरी बात है सीखने के क्षेत्रों सहित नियोजित परिवेश। बच्चे क्या और कैसे करते हैं, परिवेश और क्षेत्रों में कैसे करते हैं का अवलोकन, अवलोकन डाटा का नियोजन, सुधार, व्यक्तिगत तथा समूहों के लिए प्रयोग, अभिभावकों को समय नियोजन और आकलन चक्र में शामिल करना। ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो सीखने के लिए आकलन की प्रक्रिया और शिक्षण विधि तथा अवलोकन का नियोजन, इन तीनों महत्वपूर्ण बातों को आपस में मिलाता है और सहसंबंधित करके तय करता है कि हम कब कौन सी कड़ी का कहां पर इस्तेमाल करेंगे। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के लिए कौन से शिक्षा शास्त्रीय विजन नियोजित किया जा सकते हैं? देखिए यहाँ पर 8 बातें दी गई हैं जो हमें बताती हैं कि जो बच्चे 3 से 6 और 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के हैं
उनके लिए हमारे जो क्लासरूम की पद्धतियां हैं वो किस किन चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। तो पहला तो है थीम बेस्ड, किसी विषय पर आधारित प्रक्रिया हो, खेल पर आधारित प्रक्रिया हो सकती है, छोटी छोटी गतिविधियां की जा सकती हैं, जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, परियोजनाएं तथा पूछताछ आधारित गतिविधि हो सकती है, खिलौनों को हम अपना आधार बना सकते हैं, कला एकीकृत और खेल एकीकृत। एकीकृत करने का मतलब है कि हमारे प्रक्रिया में, अध्यापन की प्रक्रिया में आर्ट भी शामिल हो, कला भी शामिल हो और खेल भी शामिल हो, तो हम उसके साथ अपनी बातों को, अध्ययन प्रक्रिया को एकीकृत कर सकते हैं। कथा वाचन, ये एक बहुत ही प्रभावकारी विधि हो सकती है, कहानियां सुनाना और कहानियों के माध्यम से बच्चों को उनसे संबंधित भाषा का ज्ञान हो सकता है, गणित की भी चीजें कथा वाचन के माध्यम से सिखाई जा सकती हैं। और ICT एकीकृत अधिगम, ये 8 महत्वपूर्ण तरीके हैं, इनका हम यदि ध्यान रखें और ये देखेंगे किस चीज़ का उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है, तो हमारे शिक्षण की प्रक्रिया रोचक होगी और बच्चे को इसको सीखने में काफी मजा आएगा। FLN के सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति, 3 चरण है यहाँ पर। पहला चरण है बच्चों के विकास से जुड़ी आवश्यकताओं की पहचान करना। जो बच्चा हमारे पास शुरू में आ रहा है उसकी आवश्यकताएं क्या है, वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर आ रहा है और उसके पास जो कुछ चीजें उपलब्ध हैं, जो भाषा उपलब्ध है, जो अनुभव उपलब्ध है, उनके आधार पर हम कैसे आगे लेके जाएं, ये सब करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी जरूरतें अभी क्या हैं। फिर इसके आधार पर हम गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। और फिर तीसरा चरण है सीखने के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। तो ये 3 मुख्य चरण है, बच्चों की जरूरतों को पहचानना, उसके आधार पर गतिविधियों की योजना बनाना और फिर सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करना। इन 3 बातों को आगे हम फिर से देखते हैं। बच्चों के विकास संबंधी जरूरतों के बारे में जागरूक होना होगा। प्रत्येक बच्चा अलग होता है और उसे सीखने की अपनी गति होती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सभी बच्चे एक जैसे ढंग से नहीं सीख सकते। हर बच्चे की सीखने की अपनी गति हो सकती है, उसकी अपनी रुचि हो सकती है और उसका अपना पूर्व ज्ञान हो सकता है जो बाकी दूसरे बच्चों से अलग होता है। दूसरी बात है गतिविधियों की योजना। तो जो बातें अभी हमने यहाँ पर हर बच्चे के संबंध में पढ़ी है, सुनी है, उसी के आधार पर हम अपने गतिविधियों की योजना बनाएंगे। इसके लिए नेतृत्वकर्ता प्रिंट सामग्री, सुलभ खिलौने और वस्तुएं, पहली आदि जैसे अन्य संसाधनों सहित कक्षाओं के माध्यम से पारस्परिक रूप से सीखने, इंटरेक्टिव लर्निंग जिसे हम कहते हैं, आपस में जब बच्चे एक दूसरे के साथ सीखते हैं तो इसके लिए हम पारस्परिक रूप से सीखने की बात या शीर्षक देते हैं। ये प्रक्रिया के निर्माण पर जोर दे सकते हैं। खिलौना या खेल आधारित शिक्षण शास्त्र, अनुभवात्मक और कला आधारित शिक्षा। तीसरा बिंदु है विद्यालय और घर, दोनों जगह पर सीखने का वातावरण विकसित करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता के पास समुदाय, अभिभावक और अन्य हितधारकों के साथ संपर्क बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति होना चाहिए। स्कूल तो बच्चे के सीखने की जगह होगी ही, घर भी उसके सीखने की अच्छी जगह हो सकती है। तो इस बात को विकसित करने के लिए शिक्षक में ये गुण होना चाहिए कि वह बच्चों के माता पिता या अन्य लोग जो इस काम से जुड़ सकते हैं, जो बच्चों के विकास में अपनी सहायता दे सकते हैं, उनके साथ संपर्क बनाने की क्षमता और कौशल एक शिक्षक में जरूर होनी चाहिए। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है। तो शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व पर रूपरेखा अन्वेषण देखिए। FLN है तो शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है विजन एवं पाठ्यचर्या, लक्ष्यों को परिभाषित करना। दूसरी बात है FLN को सक्षम करने हेतु स्थितियां। और तीसरा बिंदु है हितकारकों के साथ साझेदारी। तो पहले बिंदु में जो मुख्य 2 उप बिंदु हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण, साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संबंधित दक्षताओं का निर्माण, ये पहले बिंदु से संबंधित है। दूसरे बिंदु FLN को सक्षम करने की स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्षम बनाना, शिक्षकों का क्षमता निर्माण, विद्यार्थियों का आकलन। और तीसरे बिंदु के साथ जो जुड़ी हुई बात है वो है हितधारकों, व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं और ICDS के साथ साझेदारी। जो लोग भी इस काम से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिनकी मदद से इस काम को हम विकसित कर सकते हैं, उन तमाम लोगों के बीच समन्वय और साझेदारी का वातावरण बनाना, ये तीसरे बिंदु के अंतर्गत बात आती है। और ये सारी की सारी बातें मिलकर विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में सुधार लाती हैं। जो हम लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं, सीखने के जो प्रतिफल की बात करते हैं, उसमें विकास के लिए ये तमाम सारी परिस्थितियां हमारी मदद करती हैं।
विद्यालय विकास योजना, ये जिसे हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं SDP शॉर्ट में, इसका अर्थ क्या है? तो पहली बात जो इसमें शामिल है वो है योजना बनाना। योजना बनाने की प्रक्रिया में विद्यालय के संदर्भ, शिक्षकों एवं उनके आवश्यकताओं को समझना जरूरी है। इसके अलावा समुदाय, विद्यालय सुविधाओं, समुदाय और हितधारकों को समझना भी शामिल है जो विद्यालय योजना प्रक्रिया के हिस्सा होंगे। देखिए कितनी सारी बातें, योजना बनाना जो है केवल क्लासरूम की योजना बनाने संबंधित नहीं है। जो लोग इससे जुड़े हुए, जो हितधारक हैं, उनके साथ एक समन्वय और उनके उनका हम कैसे उपयोग कर सकें, उनकी कैसे सहायता ले सकें, इस चीज़ की समझ भी हमारी योजना में दिखाई पड़नी चाहिए। दूसरी बात है साझी विजन का विकास। विजन स्टेटमेंट में भविष्य की छवि झलकनी चाहिए। विजन मूल्य आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप इस मूल विश्वास को बनाए रखते हुए कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी सी लाइन है लेकिन यदि हम इसको अपने मन में धारित करते हैं, इसे इस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा नजरिया बच्चों के साथ काम करने के समय बदल जाता है। जब हम सोचते हैं कि हर बच्चा सीख सकता है तो इस प्रक्रिया से हमारे काम करने के तरीके में बदलाव आता है। क्रियान्वयन, योजना बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नेतृत्व दल के लिए योजना को लागू करने का समय आता है। इसमें दलों का निर्माण और नेतृत्व करना तथा विद्यालयी प्रक्रियाओं का प्रोत्साहन और पर्यवेक्षण शामिल है। दलों का निर्माण और नेतृत्व करना, विद्यालय विकास की योजना की तैयारी और क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए दलों का गठन किया जाता है। इन दलों में शिक्षक, समुदाय के प्रतिनिधि, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य और अभिभावक शामिल हो सकते हैं। विद्यालयी प्रक्रियाओं का प्रोत्साहन और पर्यवेक्षण, एक नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी यह देखना है कि दल सही रास्ते पर है या नहीं। दलों की आवश्यकता अनुसार संसाधन की पूर्ति तथा दलों द्वारा प्रतिफल प्राप्ति को सुनिश्चित करना। अगला बिंदु है SDP, मतलब स्कूल डेवलपमेंट प्लान का सतत मूल्यांकन। एक बार SDP तैयार हो जाने के बाद अब उसे क्रियान्वयन और नियमित निगरानी के समय है। निगरानी दल लक्षित ध्येय पर नजर रखने में मदद करता है। आप अर्धवार्षिक या वार्षिक स्तर पर SDP की प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हो तो विद्यालय नेतृत्व, इसके साथ तीन प्रश्न जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज क्या है, क्यों है और हम कैसे इस पे काम करेंगे? तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है तो विद्यालयी नेतृत्व का क्या है, इस बात को हम समझ लें। तीन बिंदु है इसमें। विद्यालय नेतृत्व विकास पर परिप्रेक्ष्य, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकासात्मक लक्ष्यों को स्पष्ट करना और FLN के लिए प्रासंगिक नेतृत्व के विभिन्न मॉडलों का ज्ञान, क्यों इसकी आवश्यकता है, इस पर हम देखें। FLN 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को सुदृढ़ करेगा, बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करना, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालयों को सुगम पारगमन के लिए तैयार करना, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना। ये सारी प्रक्रिया कैसे होगी इसे हम अगले बिंदु में देखेंगे। एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता बनाकर, पहली बात। दूसरी बात, प्रभावकारी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए परिस्थितियों को सक्षम बनाकर, एक संदर्भ विशिष्ट विद्यालय विकास योजना बनाकर, एक मॉडल हमको बनाना होगा, हितधारकों, समुदाय एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ साझेदारी करके। ये तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है तो विद्यालय नेतृत्व का अर्थ क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है और हम इसमें काम कैसे करेंगे। तो ये जो चार्ट है आपकी काफी मदद करेगा आगे बढ़ने में। तो धन्यवाद मित्रों, ये एक छोटा सा मटेरियल था जिस पर आपके साथ बातचीत की गई, जो यहाँ पर पावर पॉइंट बनाया गया था। यदि आप इसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और इसके आधार पर आप अपने विद्यालय के लिए योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।